सबसे पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सभी मीडिया कर्मी को, क्योंकि आप लोग रियल में आप लोग योद्धा है। एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। और उसके साथ में जितने भी मेरे DPIF के मेंबर, मतलब दादा साहेब फाल्के आइकॉन है, बड़ी फिल्म जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो तमाम जो मेंबर यहाँ पर आए हैं, वो सब अपने आप में एक योद्धा है। उसके साथ साथ में योद्धा हमारे साथ में खड़े हैं मेरे से साहब ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को बचाया है, और जिस तरीके से आज हमारे बर्थडे में शामिल हुआ और हम उनको सम्मानित करने के लिए मुझे मौका मिला, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आली जी को और मेरे सली मैडम को, जिन्होंने साहब को यहाँ तक यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर आए हैं लेके। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच माई लाइफ पार्टनर, मेरी ज़िंदगी अंकिता जो मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं, एंड थैंक यू मेरे वीरू जैन जो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मैं तमाम मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, चाहे वो अभिजीत राणे साहब हो, चाहे वो मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र के राजा, मैं इसको कहता हूँ मतलब गरीबों का राजा, जिस तरीके से मैं आज हेल्प कर रहा हूँ, मैं इनको देख के मैंने हेल्प करना मैं सीखा हूँ, जिस तरीके से गरीबों का राजा कहता है, जिस तरीके से कामगार का राजा कहता है, जिस तरीके से लोगों के मसीहा कहते हैं गरीबों का, अभिजीत राणे साहब मेरे बीच में है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय श्री बी एन तिवारी साहब, मेरे बाबूजी समान, वो आके गए यहाँ पर, तमाम यहाँ पे लोग आए हैं, मेरे तमाम जो लोग, मेरे जो मेंबर्स हैं, चाहे वो पंडित शेट्टी साहब हो, जो जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से लगन से काम करता है पंडित शेट्टी साहब, चाली भाई जो हमारा डिजाइन करता है, ख़तरनाक डिजाइन करता है, और पंडित सर रात को 3 बजे तक वो काम करता है इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, वीरू जैन, हम लोग दोनों मिलके हम लोग जिस तरीके से हम लोग लोगों को ढूंढ स्पॉन्सर को जाके वहाँ पर उनको मिलना, उनसे मीटिंग करना, रात को 2 बजे आता हूँ, मेरी वाइफ मेरी खाना गर्म करके मुझे खिलाते हैं, तो अंकिता मेरे साथ है, तो वो तमाम जो मेरे मान्यवर, तमाम जो मेरे गेस्ट आए हैं, और सबसे बड़ी बात है मेरे साहब जिस तरीके से मीरा रोड में बच्चों को बचाया है, जिस तरीके से राज साहब उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, तमाम लोग इनको सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं सभी मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ इनको प्लीज़ आप दिखाएं इस इंसान को, ये योद्धा है हमारा। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरु जी, हर वक्त हर जगह पर जब जब मैं बुलाया, जब जब मैंने फुकारा, वो मेरी फुकार को उन्होंने स्वीकार किया और तब तब मेरे साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री अभिजीत राणे साहब को, मेरे बड़े भाई के साथ साथ मेरी गुरु है, और जिस तरीके से मैं खुल के बात करता हूँ उनके साथ रात को जाके, सर मुझे ये चीज़ का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे सॉल्व कीजिए, कैसे मैं सॉल्व करूँ, जिस तरीके से एक टीचर की तरह मुझे सिखाते हैं, शिक्षा देता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ गुरुजी आप यहाँ पर आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे तमाम मेंबर को, मेरे जितने भी आज लोगों ने अनाज दिया है उन सभी को, मेरे युवा अध्यक्ष हमारे गौरव शाह को, मेरे वीरू जैन को, पांडे शेट्टी साहब को, सली मैडम को, मेरी वाइफ को, और वी एन तिवारी साहब को, तमाम मेरे लीगल एडवाइज़र जो है मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शैलेश दुबे साहब एडवोकेट,
मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच। तमाम जितने भी सभी मेंबर को मैं धन्यवाद करता हूँ, मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, जो भी है मेरे थैंक यू। मुंडे साहब फोटो, हमेशा ही मेरी शुभकामनाएं। आज उसका जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी फैमिली उसके साथ में है, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आगे तरक्की कीजिए। मैं तो उसको बढ़ते हुए देख रहा हूँ और बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसको सिर्फ मोटिवेशन देने आया हूँ इधर, मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, उसके परिवार का एक सदस्य हूँ। कल्याण जी मेरे हस्बैंड है, अभी हम लोग का साथ पिछले 11 साल से हैं, ये 11th ईयर हमारा चालू है साथ का। उन्होंने जहाँ से शुरुआत किया था तब से मैंने उनका साथ दिया था, वहाँ से मैंने उनको साथ दिया था जब वो कुछ भी नहीं थे। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे लाइफ में और आज भी देख रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि वो लोगों को हेल्प करते हैं। वो मतलब लेट आएंगे तो भी मैं, एक होता है ना वाइफ होती है, लेट क्यों आए, ये सब मैं नहीं करती। मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो हेल्प करें और ऐसे लोगों को हेल्प करें जिनके घर में अनाज ना हो और वो ज़रूरतमंदों को हेल्प पहुँचे। ये मेरी भी हमेशा इच्छा रहती है और मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती हूँ। हम लोग हमारे घर में कुछ रहे ना रहे, बट हम चाहते हैं कि दूसरों के पास जो भूखा है उनके घर तक अनाज पहुँचे। और वो आज इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा DPIIF की पूरी टीम है जो इतनी अच्छी टीम है, जो हर वक्त हर पल आके सपोर्ट करती है। सो सबके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड का बर्थडे है कल्याण जी जाना को, तो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जियो हजारों साल और मेरे लिए मतलब मेरा साथ हमेशा रहे, साथ जन्म जन्म तक का रहे। और हर रिश्ते में मन मुटाव तो होते रहते हैं, झगड़े तो हर रिश्ते में होते रहते हैं, बट प्यार भी उतना ही ज़्यादा है। और मैं चाहती हूँ कि इन्होंने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली ये जिस मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं और भगवान उनको साथ दे, और मेरा हमेशा ब्लेस्ड उनके साथ रहेगा और आप सबका ब्लेस्ड है और चाहिए। थैंक यू सो मच और ये बहुत बड़ा आदमी बने, बस यही। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मैं कल्याण जी को मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके मिसेज जी मेरे साथ बाजू में खड़े हैं, अंकिता, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा रोड स्टेशन के अंदर जो है, मैं बांद्रा पुलिस ड्यूटी करता हूँ, मेरा नाम सैयद बाबू शेख है और मैं लेडीज़ ट्रेन में, लेडीज़ कोच में मैं पेट्रोलिंग का ड्यूटी करता हूँ। तो विरार से मैं ट्रेन लेकर अंधेरी आ रहा था, उस वक्त मेरा रोड स्टेशन के ऊपर जो 5 बच्चे और एक उसकी जो मदर थी, माँ थी उनकी, वो लोग आ रहे थे। तो जैसे स्टेशन आया तो चालू ट्रेन के अंदर से एक बच्चे का जो पैर स्लिप के नीचे गिर गया और तुरंत मैं पीछे डिब्बे में था, तो मैं चलती ट्रेन में से मैंने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को ट्रेन और गैप के बीच में बच्चे जा रहा था, तो उसको मैं एक हाथ से बच्चे को कॉलर पकड़ के रखा और एक हाथ से मैं ट्रेन को पकड़ के रखा और ऐसे 2 डब्बा ऐसे क्रॉस हुआ रनिंग के अंदर और फिर मैं उड़ी मार के बच्चे को बाहर निकाला। इस तरीके से जो कुछ उस दिन हादसा हुआ, रात को 12:30 बजे की बात है, तो इसकी दखल हमारे पुलिस कमिश्नर ने भी उन्होंने ली है, मुझे रिवार्ड डिक्लेयर किया है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि आज कल्याण जी के बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा सम्मान दिया। और उनके सभी जो है DPIIF के सभी मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। सर थैंक यू सो मच, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे यहाँ पे आए, हमारे इस खुशी में शहीद हो, मतलब आगे आपने हिस्सा लिया, तो थैंक यू सो मच। और आप जैसे पुलिस अफसरों को सल्यूट है कि आप ऐसे ही काम मतलब कर रहे हैं, तो सच में आपकी तारीफ़ काबिल है। ऐसे ही आप काम करते रहे और ऐसे ही हमारे इस इंडिया को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच। मैम बोलने का इतना मतलब ये था कि उस रात की जो घटना थी 12:30 बजे की थी और बच्चा जिस तरह से नीचे गिरा, वो 7 साल का बच्चा था, छोटा बच्चा था उस वक्त, मैंने भी, मेरा भी कुछ सोचा नहीं मेरे भी लाइफ का क्या होगा, तो मैंने भी मतलब हिम्मत करके बच्चे को बचाया। तो भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों बच गए उसके अंदर, वो भी बच्चा बच गया।
तो जो घटना होती है वो सडनली हो जाती है, उसको बोल के नहीं आता है। और तो सर, बस आपने अपनी जान जोखिम में डाली, यही बड़ी बात है। हर कोई ऐसा नहीं करता है, अपनी जान को संभालता रहता है, बट आपने अपनी जान की फिक्र नहीं की, बट उस बच्चे को बचाने के लिए आप खुद मतलब मौत के मुंह में से जाके आए। सो थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मैं चाहती हूँ सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे ही करे ताकि हमारा इंडिया हमेशा टॉप पे रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखो, मैं नमन करता हूँ मीडिया वाले भाइयों को। आज मेरे भाई है, मेरे गुरु है, सब कुछ वही है आज। तो उनको सबसे पहले मैं जन्मदिन की शुभकामना देना चाहता हूँ। ऐसे ही वो भगवान उनको आशीर्वाद दे, और जो उन्होंने स्ट्रगल लाइफ में किया है और जो जिद्दी का सपोर्ट है, और ये हमारा DPF टीम ने, पूरा परिवार है हमारा, वो ऐसे ही इनको साथ देंगे, हमेशा देते रहेंगे, और ये भगवान करे बहुत ऊँचाई पर पहुँचे और जल्दी पहुँचेंगे। और सभी का ऐसे प्यार मिलते रहे। और ऐसे आज वीर योद्धा जो आज आए हमारे यहाँ पे, हमको काफ़ी गर्व है, हमको मैं सैल्यूट मारता हूँ सीरियसली। जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। ऐसे ही पुलिस ऑफिसर हर एक के साथ मिले तो पूरा देश सुधर जाएगा और जल्दी सब चेंज हो जाएगा पूरा। थैंक यू सो मच। मैं तो थैंक्स बोलती हूँ DPF टीम के लिए, क्योंकि DPF टीम हमारे एक टॉप रॉक मेंबर्स है और टफ मेंबर हैं, और हमारे मेंबर्स बॉन्डिंग अच्छी है हमारे मेंबर्स की। और जो सर जी को आज अवार्ड दिया गया, एंड जो विकास वर्मा जी को भी अवार्ड दिया गया है, तो ये जो अच्छे योद्धे हैं, और तो सर के जन्मदिन पे एक अच्छा तोहफा मिला है उनको, और इसके लिए अली ने काफ़ी मेहनत किया और कुछ शैली फरानीस ने भी काफ़ी मेहनत किया। और मैं तो थैंक्स बोलती हूँ कि ऐसे टाइम निकाल के, सर के जन्मदिन पे टाइम निकाल के, और योद्धा को सर ने अपने जन्मदिन पे एक सत्कार किया उन्होंने, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई सत्कार किसका करता नहीं है, और सर का सत्कार हो रहा है पूरा महाराष्ट्र में, हो रहा है इंडिया में होगा। तो मैं थैंक्स बोलती हूँ, ऐसे ही योद्धा हमारे निकले बाहर, और ऐसे ही योद्धा हमारे काम करते रहे। और मैं खुद ही महाराष्ट्र पुलिस पे काम करती हूँ, महिला दक्षता कमेटी पे, तो मुझे मालूम है कि पुलिस का ड्यूटी क्या रहता है, पुलिस कितना स्ट्रगल करता है लाइफ जैसे इन्होंने किए ले हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनको ऐसे ही लोग काम करें। और हमारे सोशल एक्टिविटीज़ भी ऐसे लोग हैं कि जो खुद से ज़्यादा दूसरे का दूसरे के लिए काम करते हैं, और खुद से ज़्यादा दूसरे के लिए जीते हैं। ये बोल के मेरे दो शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कल्याण जी को जिन्होंने संग्राट शुरू किया, बढ़िया सा सारी चीज़ें शुरू किए, और सारे लोगों को वो सपोर्ट किए, और एक हिसाब से जिनको सारे जितने हमारे भाई लोग जितने सपोर्ट करते हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि हमारे 300 शॉर्ट राइड लोगों की तरफ से बर्थडे के उनको बहुत सारा शुभकामना देंगे, और उनको अच्छे रहे और तंदुरुस्त रहे, और वो शक्ति रहे, यही हमारे उनको रिक्वेस्ट है। और उन्होंने लॉकडाउन में कोरोना वायरस में हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनकी ट्रस्ट ने मदद की, राशन पहुँचाए, और बॉलीवुड से भी उनको सपोर्ट रहता है, और हमारा भी उनको सपोर्ट रहेगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्याण जी को बहुत बहुत हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड मे गॉड ब्लेस हिम। एंड DPIF रियली रॉक्स। आज तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बट आई वुड से कि ही इज़ रियली डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब, और आगे बहुत बहुत आगे बढ़ना है DPIF को, और यही अच्छा काम करते रहेंगे हमेशा। मैं भी सबसे पहले कल्याण जी जाना को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगी, और उनके लिए दो शब्द बोलूँगी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। 50,000 इसलिए कि सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सबकी दुआ उनको मिलनी है, और हमारी टीम जो DPIF की टीम है वो हमेशा हमेशा उनके साथ ही रहेगी। अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा भगवान होता ही है, तो ये जीता जागता नमूना है, वो आदमी ही भगवान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है लॉकडाउन में, जिनको बहुत ज़रूरत थी। वहाँ पर कल्याण जी जाना खुद जाकर उन लोगों को हेल्प करते थे, तो मतलब सबको लिए, जैसे बोलते हैं कि गरीबों के एक्टर, तो ऐसा बोला जाना चाहिए कि गरीबों के भगवान, ऐसा बोला जाना चाहिए। तो वंस अगेन उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, कल्याण जी ने काफ़ी कम समय में काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, और ये चमत्कार कैसे कर पाए, मुझे मौका मिला इनकी एस्ट्रो और न्यूरो कुंडली बनाने का, वो मैंने काफ़ी स्टडी किया, आज उनको गिफ्ट दिया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो कुछ इन्होंने किया है इसे काफ़ी ज़्यादा ये करने वाले और आगे जाने वाले हैं। थैंक यू। आज कल्याण जी को मैं, हमारी नवी मुंबई टीम आज पूरी नहीं आ सकी है जो जुड़ी हुई है उनके साथ, लेकिन आज उनकी तरफ से, सबकी तरफ से कल्याण जी को मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे सर। और दूसरी बात कि जो इंसान, उस इंसान के बारे में क्या बोले कि जो दूसरों के लिए उन्होंने बोला था कि मेरे लिए कोई गिफ्ट ना लेके आए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो हम लोग अनाज दे रहे हैं, उनके लिए आप लेके आए, इतना बड़ा दिल, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मीन्स ये किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद उनका। सो कल्याण जी जना को मैं
कुछ दिनों से जानता हूँ और जब से इनको जाना है ये समझा है कि ज़िंदगी में लोग बोलते ना कि भगवान हमको मदद करता है, बट ऐसा अगर देखा जाए तो हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है। सिर्फ उस भगवान को जगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कल्याण जी जना ने बहुत पहले जगा लिया है। और जैसा कि पहले भी लोगों ने कहा है कि गरीबों के मसीहा हैं, इस करोना काल में जो इस आपदा के समय लोगों को ये अनाज पहुंचा रहे हैं, लोगों के घरों को सुरक्षित कर रहे हैं, लोगों को तालपत्रियों का वितरण कर रहे हैं, ये जितनी चीज़ें हैं ये समाज सेवा नहीं है, ये दिल से मानवता की सेवा है। और जो मानवता की सेवा करता है उसका स्थान ही परमतुल्य भगवान के जैसा ही होता है। थैंक यू जी। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना देशमुख है, मैं DPIF की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और DPIF टीम मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं वैसे मैं बहुत सारे NGOs के साथ जुड़ी हूँ, कनेक्टेड हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है, इसमें ज्वाइन करने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में रह गई हूँ। और यहाँ के हर एक मेंबर की सोच इतनी अच्छी है कि हमारी सोच और उनकी सोच बिल्कुल मिलती है। जो अपने लिए ना सोचते हुए दूसरों के लिए सोचता है वो इंसान इंसान नहीं, उसको मैं भगवान के लेवल पे रखती हूँ, क्योंकि हमने भगवान तो नहीं देखा है, और जो इंसान की सेवा करे वो उसके लिए भगवान के तुल्य है। और आज के इस कोरोना काल में जो इतना लोगों की नौकरियां गई है, लोगों के घर में खाना नहीं था, इतना स्ट्रगल हुआ है, उस टाइम में भी हर एक दिन कल्याण जी अपने घर में ना रहते हुए, इतना वायरस का टेंशन था, इतना लॉकडाउन का प्रोटोकॉल्स चल रहे थे गवर्नमेंट के, उस टाइम में भी हम लोग निकल के और पूरी टीम निकल के, स्पेशली कल्याण जी निकल के आए और सबकी मदद करी राशन पानी से लेकर के। तो इसके लिए मैं कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ, उनको उनके शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और जन्मदिन की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हूँ और शायद बोलते हैं अच्छा काम करो तो आपको बहुत सारे लोग सामने से आते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे कल्याण जी सामने से आए और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप, उन्होंने मुझे बहन के समान रखा है और मैं भी उन्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ, इसलिए मैं दादा साहब फाल्के की टीम को अपना परिवार मानती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मुंबई में नहीं है, मैं बाहर से हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर इन लोगों के साथ रह के अपनी फैमिली वाली फीलिंग होती है। दैट्स व्हाई इनके साथ हर एक स्टेप पे, हर एक कदम में मैं हमेशा साथ रहूँगी और साथ चलूँगी, ये मेरा वादा है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जन्मदिन पे हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और एक छोटा सा 4 लाइनें उनके लिए हम गाते हैं सब मिल के। सभी परिचित और साथी हैं यहाँ, आ जाएँ हमारे साथ, गाना गाना है हमें। कौन सा गाए? बार बार ये दिल गाए, 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 तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे किया। सबसे पहले कल्याण जी जाना को मैं जो है उनकी जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई सिटी के अंदर में लोगों की मदद करना। जो है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास में खाने के वांदे हो चुके हैं, ऐसे मौके पर जो है कल्याण जी भाई जो है ऐसे लोगों को, जो समाज के जो गरीब लोग यानी जिनको जो है आप बोलो तो किन्नर लोग है, जिनको पास कुछ जाता नहीं है, ऐसे लोगों के पास जा जाके कल्याण जी भाई राशन पहुँचाते हैं, बल्कि यहाँ तक के लोगों घरों में जा जाके जो है राशन पहुँचाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनको दिल से दुआ देता हूँ कि ये आगे भी ऐसा काम करते रहे और भगवान और अल्लाह इनकी मदद करते रहे और ये बहुत ऊपर जाए। बस पहले तो कल्याण जी को बहुत ही बर्थडे की शुभकामनाएं, कल्याण जी को भगवान और आगे बढ़ाएं, ये जो काम कर रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों का, ठीक है। बस का मेरा नाम गौरव शाह है, DPIF में युवा अध्यक्ष हूँ नेशनलाइज। कल्याण जी जो पिछले कई सालों, 2 सालों से DPIF को आगे लगाए और गरीबों की सेवा कर रही है, उससे हम लोग जुड़े हैं और आगे तक वो भी करते रहे, काम करते रहे, उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ और कल्याण जी भाई को मैं बड़े भाई की तरह से शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो उनका जन्मदिन है और जो काम हम लोग ने हाथ में लिया एज ए टीम,
मैं DPIF में एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकेश भाटिया हेल्दी वेल्दी आयु कंपनी चलाता हूँ। और हम लोगों ने जो कार्य शुरू किया है या जो कार्य कर रहे हैं इसे और कैसे बेहतर बनाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज के दौर में जो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कल्याण जी की बर्थडे पे जो भी काम शुरू कर रहे किया गया है उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और दुआ देता हूँ कि ये कार्य और बड़ा हो। धन्यवाद। था तो आपने बर्थडे को प्राइवेसी बना लिया, किसी को बुलाया नहीं, मीडिया को इन्वाइट नहीं था, आप आए हैं तो मीडिया ही है ना। और कल्याण जी का ही बर्थडे, दादा साहब फाल्के आइकन फिल्म समाज के आयोजक कल्याण जी जाना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो जैसा कि आप लोग जानते हैं हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलते हैं, तो आज जन्मदिन पे काफ़ी उनके चाहने वाले इस हॉल में पहुंचे हुए। हमारे साथ विजय पांडे जी हैं, सोनू जी हैं, जो अवार्ड फंक्शन के आयोजक हैं दोनों ग्रीन सिनेमा अवार्ड के। और आप देख रहे हैं आज जन्मदिन का मैंने भी आज केक काटा, आज 21 तारीख है, कल्याण जी कल दिल्ली में केक काटेंगे जन्मदिन पर। और काफ़ी लोगों को सबसे बड़ी बात होती है कि हर आदमी केक काटता है, खुद खा लेता है, पार्टी मनाता है, लेकिन जो गरीब अनाथ बच्चों को राशन वितरण किया जाता है बहुत पुण्य का काम होता है। और जैसा कि इनका नाम है कल्याण, नाम से ही है तो झलक रहा है कुछ कल्याण करने वालों को कहते हैं कल्याण, तो काफ़ी लोगों का कल्याण करते हैं। और काफ़ी सालों से मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जहाँ जाइए आज के डेट में सबको हिंदुस्तान तो स्वार्थी हो गया, बगैर किसी को कुछ दिए कोई कुछ काम करता नहीं है, लेकिन कल्याण उस व्यक्ति का नाम है बगैर कुछ दिए बहुत कुछ दे के जाते हैं, कर देते हैं हर आदमी के लिए। हर मीडिया वाला उनसे खुश रहता है और मैं उनके साथ हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बोलिए सर, आज बर्थडे में आप आए थे, बोलना क्या है, लगभग सभी लोगों ने बोल दिया है। और आप लोग तो कल्याण जी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि आज कल्याण जी का जन्मदिन है और मैं अपने पूरी टीम की ओर से कल्याण जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह निरंतर दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करते रहें, भगवान उनके साथ हैं, उनके जो कर्म हैं आज उनको इस जगह तक लाए हैं और मैं आशा करूँगा कि वो इसी तरह अपने कर्मों को आगे बढ़ाते रहेंगे निरंतर और निरंतर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया के भाइयों का हृदयपूर्वक अभिनंदन अभिवादन। आज दादा साहब फाल्के अवार्ड के आयोजक कल्याण जी जाना जी का जन्मदिन है और कल ही हम लोग हमारे पीआरओ साहब संजय भूषण पटियाला जी का भी जन्मदिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और आज ढेर सारी शुभकामनाएं कल्याण जी जाना को कि जिनके जन्मदिवस के उपलक्ष पर इतना बढ़िया उन्होंने आज मैसेज दिया कि जो आम हमारे श्रोता हैं, हमारे नागरिक हैं, उनके लिए उन्होंने अन्न धान का वाटर भी किया। हृदयपूर्वक कल्याण जी जाना जी का स्वागत होना चाहिए और हृदयपूर्वक उनका हम लोग अभिनंदन अभिवादन करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।